किसानों के रेल रोको आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसानों के आंदोलन के चलते अब तक 2853 रेलगाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं। रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसमें मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन मिलाकर 1154 गाड़ियां रद्द की जा चुकी हैं। वहीं 228 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा 1159 ट्रेन के रूट बदलकर चलाया गया है। किसानों के आंदोलन के चलते अब तक रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। किसानों के आंदोलन के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशान हालत में बैठे देखा जा सकता है। परेशान यात्री सरकार से अपील करते नजर आए कि किसानों का आंदोलन खत्म करवाए, ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। अभी आज 4 तारीख सुबह तक टोटल 2541 ट्रेनें इससे प्रभावित हो चुकी हैं, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के, जिसमें 1154 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 532 मेल एक्सप्रेस एंड 622 पैसेंजर ट्रेनें। इसके अलावा 228 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट करके हमने चलाई हैं। अभी तक कुल 1159 ट्रेन्स डाइवर्टेड रूट से चलाई जा चुकी हैं, तो टोटल 2541 ट्रेन्स इससे इफेक्ट हुई हैं। इसके अलावा जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, मालगाड़ियाँ, उस पर भी जो प्रभाव पड़ा है, 312 मालगाड़ियों को डाइवर्टेड रूट से चलाना पड़ा है। तो अभी तक कुल मिला के 2853 गाड़ियाँ, पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनें इससे इफेक्ट हुई हैं। अलग से ट्रेन तो देखिए, अभी जिस तरह से हमें डिमांड आ रही है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें अम्बाला से शॉर्ट ओरिजिनेट और टर्मिनेट होकर चल रही हैं, तो अम्बाला का रश इससे कैटर हो रहा है। और चूंकि आंदोलन का ये 18वां दिन है, तो लगभग अब बहुत सारे पैसेंजर्स को अलग अलग सोर्स से, हम लोगों के माध्यम से ये जानकारी ऑलरेडी है कि कौन सी ट्रेन किस रूट से डाइवर्ट होकर चल रही है, तो पैसेंजर्स वहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं, वो तो एज़ पर जो हमारी वेट लिस्टिंग पैसेंजर्स की लिस्ट है और भीड़ का असेसमेंट है, जो आने वाले सीज़न में ईस्टर्न बाउंड इलेक्शन और शादियों का जो सीज़न है, उसके हिसाब से जिस रूट पे हमें डिमांड असेसमेंट हो रही है, उस ट्रेन के लिए हम स्पेशल चला रहे हैं और फिर चलाएंगे। देखिए, ट्रेनों के आंकड़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर और अमाउंट की बात करें तो अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कैंसिलेशन और रिफंड ये सब सारे पैन इंडिया अलग अलग डिविजन्स में लोग ले रहे हैं, और बहुत सारी जो है ऑनलाइन रिफंड्स हो रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में एक्चुअल फिगर देना अभी मुश्किल है। सुबह 4 बजे से 4 बजे के पहले से खड़े हम, 3 बजे के और 4 बजे की गाड़ी बताए थे, पर अभी तक नहीं आया। बहुत परेशान हो रहा है, सुबह की बैठे हैं हम यहाँ पे। अब देखो, सुबह के 4 बजे का बता, आप कह रहे आधा घंटे में पहुँचेंगे, तब भी हम सुबह से यहीं बैठे हैं, पर अभी तक तो गाड़ी आया नहीं। क्या किसान तंग कर रहे हैं, बीच में बैठा हुआ है, यूँ बोल रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे सरकार से, किसानों को मांगो पूरी करनी है, शासन कुछ कर नहीं रहा है। किसानों से बात करके जल्दी से तुम आ जाओ, किसानों के बात मांगे पूरी करे जाए और जल्दी से जल्दी ट्रेन जल्दी खुलवा दीजिए, टाइम पे आ जाए। बहुत परेशानी हो जाते हैं, किसी को जरूरी काम है तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बस जल्दी से जल्दी ट्रेन चला दो। हम सुबह 8 बजे से परेशान हैं, इधर बहुत ज़्यादा परेशानी है, ट्रेन नहीं आ रही है। तो क्या बताया जा रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है, इस वजह से बता रहे भाई ट्रेन लेट चल रही है। मैं यही है कि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, ये पब्लिक इतनी परेशान है यहाँ से, भूख की प्यास थी, बच्चे भी परेशान हैं, नींद आ रही है, पूरी रात सोई नहीं, अपने स्टेशन पर पड़े हैं। सुबह 8 बजे से ही बैठे हैं जी, हम स्टेशन पे आके, बाकी हम आ रहे हैं पटियाले से आ रहे हैं, हमें जाना है जी मुजफ्फरनगर, और रेल के घूम के आ रही है, और किसान आंदोलन पे बैठे हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है ट्रेन में। अपील यही है जी, उनकी समस्या को सुना जाए और उनका जो है समस्या का हल होना चाहिए, ताकि ये आम पब्लिक जो परेशान है, ये परेशानी ना उठानी पड़े। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के चलते अब तक 2853 रेलगाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं। रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। किसानों के आंदोलन के चलते अब तक रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।